कोरोना के कारण जहां पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं इस आपदा को अवसर में बदलने में भी लोग पीछे नहीं हैं। ऐसा ही एक बानगी सामने आया है सदर अस्पताल चाईबासा में, जहां कोरोना के नाम पर सरकारी राशि की जमकर लूट हुई है। इस गड़बड़ घोटाले का मास्टरमाइंड निकला सदर अस्पताल में अनुबंध पर कार्यरत डीपीएम नीरज यादव। इन्होंने 250 रुपए का पीपी किट 1050 रुपए की रेट से खरीदा। डीपीएम नीरज यादव ने कोरोना काल में 1.5 करोड़ से अधिक की खरीदारी अपने रिश्तेदारों के फार्म से की। दरअसल कोरोना को लेकर सारी खरीदारी की जिम्मेदारी डीपीएम की थी, लिहाजा इस आपदा को इसने अवसर में बदल दिया। गड़बड़ घोटाले के इस खेल में डीपीएम ने सिविल सर्जन के आदेश को भी दरकिनार कर अपने चहेते आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान भी कर दिया, जबकि खरीदारी की उस फाइल में सिविल सर्जन ने भुगतान करने से पूर्व सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच एवं स्टॉक एंट्री को जरूरी बताया था। जिसको करना है, जो शॉर्टफॉल होता है उसी को कहते हैं हैंड सैनिटाइजर कैप दिस दैट है इसका, तुम मार्केट से एलवन कराओ लोकल परचेज में कोटेशन के थ्रू, और अगर मेरे धोखा देता है तो प्रॉब्लम होती है, प्लस बहुत सारे छोटे छोटे हिंड्रेंस क्रिएट करते रहते हैं और मेरे को अनस्टेबल करते रहते हैं। गड़बड़ घोटाले के इस खेल में 1000 पीपी किट की खरीदारी एक छोटा सा उदाहरण है। 6 अगस्त को जमशेदपुर के इमेज इंडिया नामक कंपनी को 1000 पीपी किट की आपूर्ति का आदेश दिया गया, परंतु 1000 पीपी किट का बिल रांची की आरुषि इंटरप्राइजेज नामक कंपनी को भुगतान किया गया। बावजूद इसके अमन इंटरप्राइजेज एवं आरुषि इंटरप्राइजेज से जमकर खरीदारी हुई। बताया जाता है कि यह दोनों फर्म डीपीएम नीरज यादव के रिश्तेदारों के नाम से है। इसमें से अमन इंटरप्राइजेस के बैंक खाते में डीपीएम नीरज यादव का ही फोन नंबर रजिस्टर्ड है। मिल रही है जानकारी मिल रही है कि दो फॉर्म शायद किसी कर्मी के जो एलिजिड ये है कि उनके जो परिवार के व्यक्तियों के संबंधित फॉर्म्स को ज़्यादा टेंडर में कार्य दिया गया है। मैं संज्ञान में लेते हुए उसमें दो बात मुख्यतः दिया गया था कि जो फॉर्म जो L1 है, जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसको वर्क ऑर्डर मिला था, उसको ना भुगतान कर किसी और अन्य एजेंसी को भुगतान किया गया है, और जो दर भी जो मार्केट रेट उस समय का जो जब के जो रेट है या राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित रेट है उससे भी ज्यादा है। करोड़ों रुपयों के इस गड़बड़ झाला खेल में सदर अस्पताल के डीपीएम ने न सिर्फ अपने रिश्तेदारों के फॉर्म को लाभ पहुंचाया, बल्कि जितनी भी सामग्रियों की खरीदारी की गई वो मार्केट रेट से कई गुना अधिक दर पर खरीदी गई। ये मैं कर लेता हूं, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ड्रीम 11, मेक योर टीम नाउ। भाई जो भी बोल, लक तगड़ा है अपने जस्सी का। जस्सी यार, ओए, एक एक बैट्समैन को समझ के आउट किया है, ये लक नहीं मेहनत है। देख नाराज हो गया जस्सी, फोन में घुस गया अपने। यहाँ भी परफॉर्म कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में खुद से इन्वेस्ट करने का ये एक ऑप्शन है, इससे कमीशन बच जाता है। अरे यार जस्सी मुझे ही बताना। अरे ठंड रख, डायरेक्ट प्लान में सोच समझ कर इन्वेस्ट कर तो ही फायदा है। सही है, तेरी इतना भारी बैग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।